तो ये देखिए चाशनी हमारा बनके बिल्कुल रेडी है, आपको दिखा सकते हैं, देखिए बिल्कुल बढ़िया है। इसमें हम जो ये काला काला झाग आता है, तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आप नींबू ले लीजिए और नींबू को जो है, हेलो, मैं प्रतीक्षा, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए कुछ नई रेसिपी लेकर आए हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग मेरे वीडियो के साथ। हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को रसगुल्ला बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ हम ले लिए हैं, ये खोआ है यानी मावा भी बोलते हैं इसे, तो हम यहाँ मावा लिए हैं। देखिए ये हम ले लिए हैं 1 kg। तो इसे हमें पहले, ये बहुत कड़ा होता है, तो इसे हमें मसलना है, बिल्कुल मैश करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा तभी जाके हमारा रसगुल्ला जो है अच्छा बनेगा, बिल्कुल मुलायम बनेगा। तो इसे हम कम से कम 5 से 7 मिनट तक मसलेंगे। इसे देखिए ऐसे ऐसे करेंगे, और इधर जब तक हम इसे मसल रहे हैं, हम इधर सीरा बना लेते हैं, इसे साइड कर लेते हैं। तो हम यहाँ कढ़ाई लिए हैं और गैस ऑन करेंगे, इस पर हम कढ़ाई में सीरे बना रहे हैं, क्योंकि इससे जो है सीरा हमारा जो है, इसमें रसगुल्ला जब डालेंगे तो अच्छे से होगा, बिल्कुल चिपकेगा नहीं और फटेगा नहीं, तो इसलिए हम कढ़ाई में बना रहे हैं। तो ये हम चीनी लिए हैं, चीनी हम 250 ग्राम ले लिए हैं। तो इसमें हम चीनी डाल देते हैं कढ़ाई में, सीरे तैयार होंगे जब तक, हम इसे मावा को खूब मसल लेंगे अच्छे से। और 1/2 कप और हम ले लिए हैं चीनी, तो यानी सब मिला के हम 1.5 कप यहाँ चीनी लिए हुए हैं। तो चीनी डाल देते हैं और इसी कप से हम 1/2 कप पानी डाल देंगे। तो इसमें हम पानी ले लिए हैं 1/2 कप से, थोड़ा सा ज़्यादा लिए हैं, तो इसमें पानी डाल देंगे और चीनी को हम चला देंगे। इसका सीरा बनेगा, तो ये चाशनी नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्का पतला रहेगा, हम आप लोगों को दिखाएंगे अभी। तो इसे हम चलाते हैं इधर, और जब तक इधर हम मावा को जो है इसको मसल लेते हैं। तो इसे जितना अच्छा अगर मसलना हो, बहुत ही अच्छा बनता है ये हमारा रसगुल्ला। हलवाई लोग का आप सभी लोग देखते होंगे कि रसगुल्ला बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो इसे मसलना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। आप जब भी बनाएं तो इसे जो है खोए को खूब अच्छे से मसल लें। देखिए इसे मसलेंगे, जितना बढ़िया मसलाएगा ये बिल्कुल अच्छा होगा। तो इसे हम ऐसे अपने हथेलियों के, ये जो हथेलियाँ हाथों का है, इसी से हम करेंगे, इससे जो है अच्छे से बनेगा। तो देखिए इसमें हम थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैदा ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हम मैदा लिए हुए हैं, थोड़ा सा मैदा डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार में नहीं, और इसे मिलाते हुए फिर मिस लेंगे। तो ये देखिए चाशनी हमारा बनके बिल्कुल रेडी है, आपको दिखा सकते हैं, देखिए बिल्कुल बढ़िया है। इसमें हम जो ये काला काला झाग आता है, तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आप नींबू ले लीजिए और नींबू को जो है हल्का सा इसमें 2-4 बूंदे डाल देने से ये सिरके जो हमारे सीरे हैं बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं डालना है हमें, बस थोड़ा सा 1-2 बूंद डालेंगे, तो बस जो है देखिए ऐसे, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 बूंदे डाल देंगे। इससे डालने से क्या होता है फ्रेंड्स, कि जितने भी ये चीनी के झाग जो होते हैं, ये ब्लैक ब्लैक होता है, ये साफ़ हो जाएगा। इसे अभी हम निकाल देंगे, देखिएगा अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है बिल्कुल। अगर आपके पास अगर नींबू नहीं हो उस समय, जिस समय आप सीरे बना रहे हो, तो आपको एक ट्रिक और बताते हैं। हम इसके पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, आप जो है दूध ले लीजिए, नॉर्मल सा दूध ले लीजिए, नॉर्मल,
और उसे भी एक दो चम्मच डाल देने से क्या होगा कि ये जो कालापन होता है ये झाग आता है चीनी का, देखिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। तो इससे आप क्या करिए कि निकाल से जो है हमारा जो है ये शीरा बहुत अच्छा हो जाएगा और कालापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो बस यही है और कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन बहुत आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा। तो इसे हम स्लो कर देते हैं गैस का फ्लेम, इधर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए खोआ मसल कर हम बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये लग रहा है ना आटे जैसा, जैसे लग रहा है बिल्कुल सॉफ्ट आटा जब हम लोग गूंथते हैं रोटी के लिए, वैसा मेरा ये खोआ बन के मावा रेडी है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, इसे दिखाते हैं हम आपको। अभी हम रसगुल्ले बना के आपको दिखाएंगे, अभी हम ऐसे ही आपको दिखा देते हैं। देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बिल्कुल रेडी हुआ है। इसे सबसे बड़ा एक ट्रिक है, अगर आप इसे अच्छे से मसलिए तो रसगुल्ले बहुत ही मुलायम बनता है, बिल्कुल हलवाइयों जैसे। तो हम इसे रख लेते हैं, साइड कर देते हैं इसे हम। और यहाँ हम ले लिए हैं फ्रेंड्स ये छोटी इलायची पाउडर कूट कर ले लिए हैं, और ये इसका छिलका है तो हम इसे छिलके को फेंकेंगे नहीं, इसे भी इसमें डाल देंगे शीरे में। इससे जो है खुशबू बहुत अच्छी आती है और हमारे रसगुल्ले का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तो अगर आप लोगों को नहीं से अगर ये पसंद हो छोटी इलायची तो आप इसे जो है स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है तो आप इसे चाहे तो स्किप भी कर सकती हैं। अब हम इसे हम इधर घी भी चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए कढ़ाई में। तो घी हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम रसगुल्ले बना लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब रसगुल्ले बनाने चालू करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे जो है लोई ले लिए हैं छोटे छोटे, जैसे हम रोटी के लोई काटते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह लेना है लोई काट कर। रसगुल्ला आप अपने मन मुताबिक, अगर आपको छोटा पसंद हो तो इससे छोटा लोई कर सकती हैं। हम यहाँ पे मीडियम रसगुल्ले बना रहे हैं। तो देखिए इसे ऐसे हाथों पर रखिए हथेलियों के बीच में अपने, और इसे ऐसे घुमाते हुए बस हल्का सा धीरे से प्रेस कर देना है। देख सकते हैं ना बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ है। अभी हम आपको तल के भी आगे दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम प्लेट में सारे रसगुल्ले ऐसे करके बना लेते हैं। देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स हम रसगुल्ले बना लिए हैं। अब इसे जो है देखिए ये सारे हम बना लिए हैं। तो अब हमारा घी भी गर्म है, हम रसगुल्ले को तलना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सारे रसगुल्ले को बना लिए हैं, बिल्कुल रेडी है रसगुल्ला हमारा। तो आइए अब आप तलना शुरू करते हैं रसगुल्ले को। तो आइए अब तलना स्टार्ट करते हैं। देखिए तो हम एक एक रसगुल्ला, गैस का फ्लेम बिल्कुल हमें स्लो रखना है, इस बात का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। और एक एक करके हम रसगुल्ले डालते जाएंगे, बस एक बार में हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके तलेंगे, नहीं तो रसगुल्ला जो है फट जाएगा हमारा और चिपक सकता है। इसलिए हम इतना ही तलेंगे, जितना आपके कढ़ाई में आ सके आप उतना ही डालिएगा। और सबसे एक बात फ्रेंड्स, जब भी रसगुल्ला आप बनाइएगा तेल में नहीं घी में तलिएगा, इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तेल में कोई भी मिठाई अच्छा टेस्ट नहीं आता है, हमेशा घी में ही अच्छा आता है टेस्ट इसका। तो हम एक चम्मच के सहायते से इसे धीरे धीरे करके साइड कर करके पलटते रहेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, क्योंकि मावा जो होता है बहुत ही मुलायम होता है। और सबसे मेन बात, अगर मावा अच्छे होते हैं, हाइड्रोजन वाला नहीं हो तो रसगुल्ले बहुत अच्छा बनता है। इसलिए जब भी आप खोआ लें मावा लें तो हमेशा चेक करके लें। देखिए इसे ऐसे करके चम्मच से हम धीरे धीरे पलटते रहेंगे। देखिए तो आप सभी लोगों से फ्रेंड्स मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक मेरे वीडियो को ज़रूर किया करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ताकि मेरा वीडियो बहुत लोगों के पास पहुँच सके। तो बस ऐसे ही देखिए
बिल्कुल फटा नहीं, बहुत अच्छा मेरा ये बन के तैयार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब बिल्कुल रेडी है ये, देखिए आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा ये बन के बिल्कुल कैमरे के आपको पास से दिखा रहे हैं, देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है। तो इससे ज़्यादा अब हमें डार्क नहीं करना है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप प्लेट में भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो है सिरे में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सिरे में रसगुल्ले को डाल देते हैं, क्योंकि इससे जो है डायरेक्ट डाल देने से तुरंत डालेंगे तो इससे जो हमारा रसगुल्ला है अभी सिरे में जाएगा तो और भी सॉफ्ट हो जाएगा। और ये इसका साइज आपको दिखाएंगे, बड़ा हो जाएगा अभी। तो देखिए हम यहाँ पे डाल दिए हैं और इसे हम चम्मच से पलट देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। तो देखिए बस, बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बनाने में। देखिए बहुत ही, हम आप लोगों को सभी लोगों को बहुत आसान तरीका और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बस इसे हम छोड़ देंगे सिरे में, 2 से 4 मिनट तक रहेगा, जब तक कि हमारा रसगुल्ला और भी सॉफ्ट हो जाएगा सिरे में। बाकी रसगुल्ले भी हम ऐसे ही तल लेते हैं एक एक करके। फ्रेंड्स हमारे रसगुल्ले बनके बिल्कुल रेडी हैं, तो हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए इतना सॉफ्ट रसगुल्ला बिल्कुल बढ़िया बनके तैयार हुआ है। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं एक रसगुल्ले तोड़कर। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट रसगुल्ले बनके रेडी हुए हैं, देख सकते हैं बिल्कुल हलवाइयों वाला बनके रेडी हुआ है। तो आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा।